हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। नौकरी के लिए हरियाणा से भी पहुंच रहे अभ्यर्थी, बिहार में जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसमें हरियाणा से, यूपी से, झारखंड से और बहुत सारे अदर स्टेट से लोग पहुंच रहे हैं आवेदन करने के लिए। बिहार में नौकरी को लेकर यूपी, झारखंड ही नहीं, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थी आ रहे हैं। जिले समेत पूरे सूबे में छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। जिले में विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में प्राइमरी मिडिल में बहाली को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में सूबे से बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन लेकर आ रहे हैं। सीटेट पास से अभ्यर्थी विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में हाथों हाथ आवेदन देने के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी डाक से भी आवेदन भेज रहे हैं। काटी, मुसहरी समेत कई प्रखंडों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी समूह में आवेदन देने पहुंच रहे हैं। काटी में आवेदन देने पहुंचे झारखंड से आए सुनील कुमार, रोशन, अभिजीत समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि हमने भाड़े पर एक गाड़ी ली है, कई प्रखंडों और पंचायतों में आवेदन दे दिया है। ये लोग किराए पर गाड़ी लेके और फिर आवेदन करने हर ब्लॉक और पंचायत में जा रहे हैं। सीटेट के साथ CBSE अभ्यर्थी भी है शामिल। DPO स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि शिक्षक बहाली में TET STET के साथ ही सीटेट अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। सीटेट की परीक्षा केंद्रीय स्तर पर होती है, ऐसे में अन्य राज्यों के सीटेट पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में CBSE से पास अभ्यर्थी भी है। DPO ने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार भारत के किसी भी राज्य के निवासी इस बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पंचायतों में अब तक आवेदन लेने की व्यवस्था नहीं शुरू करने वाली नियोजन इकाई को चिन्हित किया गया है। DPO ने बताया कि कई प्रखंडों से भी ऐसी शिकायत मिल रही है कि सभी का एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, यह गलत है। इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है कि TET, STET या CTET का ही प्रमाण पत्र के साथ एडमिट कार्ड भी लेना है, मतलब मैट्रिक, इंटर, ये सब का नहीं लेना है, सिर्फ जो TET, CTET ये सब है उसका एडमिट कार्ड लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के बटन से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा के वेल का एक आइकॉन आएगा, वहाँ पे ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।